जी जानू, जी जानू। नबील, किन चक्रों में हो तुम? जानू, सुबह हुआ ये था कि मेरा पांव टकरा गया था किसी चीज से और मैं गिर गया था। उसके बाद मुझे ना चक्कर से आ तो रहे। मैं उन चक्रों की बात नहीं कर रही। गुलजान के साथ क्या कर रहे थे तुम? जानू, वो तो मैं उसको रात के खाने का बता रहा था कि मेरी जानू के लिए अच्छी सी बिरयानी बनाए। मैंने सब अपने कानों से सुना था नबील, तुम उससे फ्लर्ट कर रहे थे ना। अरे जानू, तो इसमें क्या बुराई है यार? अगर मैं उससे शादी कर लूं तो तुम्हें कितना आराम मिलेगा? वो शेर खान की बीवी है नबील। ओ यार, हर खूबसूरत लड़की उसकी बीवी निकल आती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? इंतहाई घटिया आदमी हो तुम नबील। ओए जानू, अगर तुम चाहो तो उसके साथ मिलकर हंसी खुशी से घर चला सकती हो। शट अप नबील, मैं अभी उन दोनों को घर से निकाल रही हूँ। ऐसा मत करना जानू, मेरी जान कहाँ जाएगी? क्या? मेरा मतलब है शेर खान की जान, गुलजान कहाँ जाएगी? वो कहीं भी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ओ जानू, खुदा का नाम मानो, बड़े गरीब मस्कीन लोग हैं। अगर तुमने उन्हें घर से निकाला तो देख लेना, अल्लाह का अज़ाब आ जाना है। हाँ? आ जानू। गुलजान, लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। ये सब्जियां काट दूं। वैसे ना, इस हालत में तुम्हें देखकर बहुत अफसोस होता है। अब हम क्या कर सकता है? हमको शेर खान ने वादा किया था कि वो हमको शादी के बाद शहजादी बना के रखेगा। अरे वो क्या शहजादी बना के रखेगा, वो तो खुद फकीर बना हुआ है। अरे तुम्हें शेर खान की नहीं, किसी अमीर और मजबूत आदमी की जरूरत है, जैसा कि मैं। ये तुम क्या बोलती है? हाँ, देखो मैं तुम्हें ना शेर खान से तलाक दिलवा सकता हूँ। मैं क्या हूँ तुम? अरे मुमताज, तुम आप मेरी पीठ पीछे वो खिला रहे। वो क्या? वो जो इस डैन का नाम है। वो है, हम डाइन नहीं, गुलजान है। हाँ गुल, आप मेरी पीठ पीछे गुल खिला रहे हैं शबाज। महमूद। हाँ हाँ, महमूद की पीठ के पीछे आप शबाज खिला रहे हैं। रमीज, चल इधर, मर।